Hello my dear kids, welcome to your SST class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book Jelly Bean Journeys by Brain Root Publications. So children, today we are going to start with lesson number 11. आज हम lesson number 11 पढ़ेंगे. हमने अपनी book में बहुत सारे chapters पढ़े हैं जिसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है कई बार कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, राइट? ये अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं और अलग अलग तरह के रिलीजियंस फॉलो करते हैं, अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, इनका खाना, इनका ड्रेसिंग का तरीका सब कुछ अलग अलग है. इसी तरह से ये लोग अलग अलग फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, राइट? हम सभी जो भारतवासी हैं वो अलग अलग प्रांतों में रहते हैं और तरह तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. और त्यौहार क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई आर फेस्टिवल्स इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दे ऐड कलर एंड हैप्पीनेस टू अवर लाइफ. अगर फेस्टिवल्स ना हो तो हमारी लाइफ बहुत ही डल और बोरिंग हो जाएगी, राइट? तो आज हम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे. आज हम अपने देश में जो त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिन त्यौहारों को हम बहुत खुशी से मनाते हैं, हम उन त्यौहारों के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 11, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. ऑलराइट, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अवर फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स. But before we begin, there is a picture given here. We have to do an activity. See, can you see crackers are there in the picture? Then lights have been decorated. The children are applying rangoli. The girl is holding diyas. By looking at the picture, can you guess which festival is this? Hum crackers kaun se festival mein jalate hain? Diye kaun se festival mein jalate hain? क्या कहा? दिवाली, राइट, वेरी गुड. दिस इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दैट इज दिवाली. सो द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन, विद विच फेस्टिवल इज दिस पिक्चर एसोसिएटेड? द आंसर इज दिवाली. हाउ डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय. वी डेकोरेट अवर हाउसेज, वी डेकोरेटेड विद लाइट्स, दियाज, different kind of decorative items, we share, exchange gifts with our friends, we greet each other happy Diwali, we do the puja of Mata Lakshmi and Lord Ganesh, right? So many there, we eat sweets. Do you love to celebrate this festival? Kya aapko ye celebrate karna pasand hai? Bilkul, sabhi ko Diwali bahut pasand hai, right? Aaiye aur festivals ke bare mein jante hain. India is a land of festivals. Festivals are a time for joy and celebration. We wear new clothes, eat sweets and make merry. Merry means happiness, enjoyment. So, India jo hai, wo festivals ka land hai. Aur yahan par jo hai, hum tarha tarha ke festivals ko celebrate karte hain. फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करके हम बेसिकली अपनी लाइफ को बोरिंग से एक्साइटिंग बनाते हैं. इससे हमारा लाइफ और ज़्यादा कलरफुल हो जाता है, इसमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं. हम फेस्टिवल्स के दौरान नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को खुशियाँ बाँटते हैं. आवर फेस्टिवल्स, वी सेलिब्रेट मेनली थ्री काइंड्स ऑफ फेस्टिवल. हम इंडिया में तीन तरह के फेस्टिवल मनाते हैं. जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन सब को हम तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. और ये ग्रुप्स क्या क्या हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल. ओके, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इसीलिए इंडिया में कई तरह के ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड है. अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इसीलिए रिलीजियस फेस्टिवल्स भी हैं. और बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज़ वाई हम सब एकजुट होकर राष्ट्रीय पर्व यानी नेशनल फेस्टिवल्स भी मनाते हैं. आइए इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं. The fun fact, India is land of festivals. We celebrate festivals round the year. India जो है festivals यानी त्योहारों का देश है. यहाँ पे साल भर
कुछ ना कुछ त्यौहार लगा ही रहता है और कुछ ना कुछ तरीके से हम जो है खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। ऑलराइट, हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड आर रेडी टू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब ऐसे फेस्टिवल्स जब हमारी फसलें पक जाती हैं खेतों में तब उनको काटा जाता है। किसानों के लिए ये समय किसी खुशी की बात से कम नहीं कि फसल पक गई है, क्योंकि वो फसल कटने के बाद उस फसल को आगे मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फसल का ठीक से पक जाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा त्यौहार है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल तब होते हैं जब कोई फसल या तो नई उगाई जाती है या किसी फसल के पक जाने के बाद उसको हम कटिंग करते हैं। दीज फेस्टिवल्स आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स एंड सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन्स में अलग अलग राज्यों में इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन असम इट इज़ सेलिब्रेटेड एज बीहू। आसाम में हार्वेस्ट फेस्टिवल को बीहू के तौर पर मनाया जाता है। पंजाब में इट इज़ कॉल्ड बैसाखी एंड इन तमिलनाडु इट इज़ कॉल्ड पोंगल और केरला में इसे हम ओनम के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, तो हर एक जगह पे हार्वेस्ट फेस्टिवल अलग अलग नाम से मनाया जाता है और इनको मनाए जाने के जो तरीके हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। सी, अब हम बीहू के बारे में पढ़ते हैं। कैन यू सी, दिस इज़ द आसामीज ट्रेडिशनल ड्रेस दैट दे आर वियरिंग। इसे मेखला बोलते हैं। ये जो साड़ीज़ हैं ये स्पेशली आसाम की हैं और बीहू फेस्टिवल में स्पेशली अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जो फार्मर्स हैं, औरतें और जो लोग हैं सब लोग डांस करते हैं। ठीक है, इसको हम बीहू डांस भी बोलते हैं। इसीलिए बीहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। स्पेशल बीहू डांसेस आर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द स्टेट। यंग गर्ल्स ऑफन वियर टिपिकल आसामीज ड्रेसेस आर सीन डांसिंग एट मैनी प्लेसेस। इस तरह के जो आसामीज ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं यानी साड़ीज़ हैं उनको पहन के जो गर्ल्स हैं वो सब डांस करती हैं बीहू। ठीक है, पोंगल। पोंगल कहाँ सेलिब्रेट होता है? पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। ऑलराइट, पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days, 3 दिन तक मनाया जाता है। ऑन द फर्स्ट डे द रेन गॉड इज़ वर्शिप। पहले दिन बारिश यानी बारिश के देवता को पूजा करते हैं यानी इंद्रदेव को। ऑन द सेकेंड डे सन गॉड, सेकेंड डे पर सूर्य देवता को पूजा करी जाती है। एंड ऑन द थर्ड डे द कैटल इज़ वर्शिप। थर्ड डे जो हमारी गाय है, कैटल है, उनकी पूजा की जाती है। ये सभी हमारी फसल को प्रॉपरली ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। स्पेशल पोंगल राइस इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस ओकेजन। एक स्पेशल तरह की राइस डिश बनाई जाती है जिसको पोंगल बोला जाता है। इन कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड संक्रांति। इट मार्क्स द चेंज ऑफ सीजन फ्रॉम विंटर टू समर। इसी फेस्टिवल को संक्रांति के नाम से भी कई स्टेट्स में मनाया जाता है। ये सीजनल चेंज को दर्शाता है यानी विंटर सीजन का ख़त्म होना और समर सीजन का स्टार्ट होना। ऑलराइट, ओनम। ओनम मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट सीजन इन केरला। केरला में जब हार्वेस्ट सीजन होता है तब ओनम मनाया जाता है। स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। केले के पत्तों पर स्पेशल केरलियन डिशेस बना के जो है खाने के लिए दी जाती है जिसको सत्या बोलते हैं। ओके, स्नेक बोट रेसेस आर वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ ओनम। एक तो सत्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो जो मील बनाना लीव के ऊपर केले के पत्तों पे जो खाना परोसा जाता है उसको सत्या बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत फेमस और अट्रैक्शन की बात है लोगों के लिए, वो है ओनम का बोट रेस। यानी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बोट्स बनाई जाती हैं ब्यूटीफुल और उनकी रेस होती है। ओके, गर्ल्स एंड वुमेन प्रिपेयर अ फ्लावर रंगोली लाइक दिस, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। और ये रंगोली जो है घर के एंट्रेंस पे या टेंपल यानी मंदिर के एंट्रेंस पर बनाई जाती है।
नाउ वी कम टू पंजाब जहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल को बैसाखी के नाम से माना जाता है। हर साल अप्रैल के महीने में बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 13th अप्रैल एवरी ईयर। दिस फेस्टिवल इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व दिस डे एज न्यू ईयर। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी सेलिब्रेट होती है और सेम डे को बंगाली में यानी वेस्ट बंगाल के लोग न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर के तरह से सेलिब्रेट करते हैं। एंड एज यू कैन सी ड्यूरिंग बैसाखी ट्रेडिशनल कपड़े पहन के लोग भांगड़ा और गिद्दा भी करते हैं। ओके अब हम आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल में। एज आई सेड कि इंडिया इज़ अ रिलीजियस कंट्री, यहाँ तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियंस के लोग एक साथ रहते हैं, तो हर कोई अपने धर्म का फेस्टिवल भी मनाता है। तो आइए रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं। फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, दशहरा, बसंत पंचमी, गुरुपूरब, ईद उल फितर एंड क्रिसमस आर सेलिब्रेटेड बाई पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस। सो दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स, क्योंकि ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये सब अलग अलग धर्म के लोग मनाते हैं, इसीलिए इन्हें रिलीजियस फेस्टिवल बोलते हैं। लेट अस रीड अबाउट दिस फेस्टिवल। और सबसे पहले हम होली के बारे में पढ़ेंगे, सबसे कलरफुल और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग फेस्टिवल। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ऑन दिस डे पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड कलर्ड पाउडर कॉल गुलाल ऑन ईच अदर। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड मेनली इन नॉर्थ इंडिया, ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इन द मंथ ऑफ मार्च टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन। और कब मनाया जाता है होली को? मार्च के महीने में मनाया जाता है। और ये हम बेसिकली मनाते हैं कि बसंत का आगमन हो गया है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, उसकी खुशी में। होली ऑल्सो सिग्नल्स द एंड ऑफ विंटर। होली पर विंटर सीजन भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो द टाइम वेन क्रॉप्स सच एज वीट, मस्टर्ड्स एंड मिलेट्स आर हार्वेस्टेड। और इसी दौरान धीरे धीरे जो वीट, मिलेट्स और मस्टर्ड की फसल है वो भी पक जाती है और धीरे धीरे फसल काटने का टाइम आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी इज़ सेलिब्रेटेड एट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। जब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है तब हम बसंत पंचमी मनाते हैं। ऑन दिस डे पीपल वर्शिप सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग एंड वियर येल्लो कलर्ड क्लोथ्स। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया काइट्स आर फ्लोन ऑन दिस ओकेजन। इस दिन लोग जो हैं, बसंत पंचमी का दिन है इसीलिए येल्लो कलर ज़्यादा पहनते हैं। लोगों के घर में सरस्वती पूजा भी होती है, लोग पतंग उड़ाना भी पसंद करते हैं। ओके इसके बाद हम आते हैं दशहरा पे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। अगेन ये नॉर्थ और साउथ के कुछ स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द इंडिया। इट सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल, यानी अच्छाई की बुराई पे जीत को दशहरा दर्शाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 days, ऑलमोस्ट 10 दिन तक दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा जो है वो मेनली एक दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि नवरात्रि आती है तो वो 9 दिन तक चलता है, तो टोटल मिला के ये एक 10 दिन का फेस्टिवल हो जाता है। ओके दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली और दीपावली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद दियाज, लाइट्स एंड कैंडल्स। दिवाली सिग्नल्स द बिगनिंग ऑफ विंटर इन नॉर्थ इंडिया। दिवाली अगेन एक ऐसा फेस्टिवल है जो हिंदू धर्म का होने के बावजूद पूरा देश इसे बहुत ही खुशी के साथ मनाता है। सब लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, घरों को सुंदर तरीके से सजाते हैं, लाइट्स, कैंडल और दिया के साथ तरह तरह की मिठाई और पकवान बनाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। और इसके साथ ही दिवाली के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे जो है सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। गुरुपूरब, गुरुपूरब मीन्स द फेस्टिवल ऑफ गुरु, यानी हमारे जो गुरु हैं उनके लिए जब हम फेस्टिवल मनाते हैं। ये बेसिकली जो है स्पेशली
पंजाबी फेस्टिवल है, गुरु नानक देव जी के बर्थडे पर इसको मनाया जाता है। लंगर्स आर हेल्ड वेयर स्पेशल मील्स एंड कुक्ड एंड सर्व्ड इन गुरुद्वारास। गुरुद्वारास में स्पेशली लोगों को बिठा के उनको खाना खिलाया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है, जिसको हम लंगर बोलते हैं। ठीक है, पीपल पार्टिसिपेट इन ह्यूज प्रोसेशन, ऐसे करके प्रभात फेरी निकलती है, लोग जो है नगर कीर्तन और प्रभात फेरी जो है शहर शहर में निकालते हैं और वो गाते बजाते हुए सारे शहर में जो है घूमते हैं। ठीक है, ईद उल फितर, ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, और ईद साल में 3-4 बार मनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की ईद। जो सबसे बड़ी ईद है वो रमज़ान के महीने के बाद मनाई जाती है, जिसको हम ईद उल फितर बोलते हैं। ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ मंथ लॉन्ग पीरियड फास्टिंग कॉल्ड रमज़ान। एक महीने तक जो लोग हैं वो लोग फास्ट करते हैं और फिर एक महीने बाद जब अपना फास्ट तोड़ते हैं उसको ईद उल फितर के नाम से मनाया जाता है। पीपल ऑफर नमाज इन नंबर इन मॉस्क, बड़ी तादाद में लोग जाकर मॉस्क में यानी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। आफ्टर ईद नमाज और प्रेयर पीपल ग्रीट ईच अदर ईद मुबारक। नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद मुबारक बोलते हैं। सेवई, अ स्पेशल स्वीट डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। पीपल एम्स मनी एंड क्लोथ टू पुअर, जो लोग हैं वो गरीबों में काफ़ी ज़्यादा जो है कपड़े और पैसे और मिठाइयाँ और ज़रूरत का सामान बांटते हैं। ओके, सी द चिल्ड्रन आर ग्रीटिंग ईच अदर ईद मुबारक। अब हम आते हैं क्रिसमस पे। इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिश्चियंस, बेसिकली मोस्टली ये क्रिश्चियंस मनाते हैं टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन आजकल ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में हर जगह ही क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। 25 दिसंबर द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड एट क्रिसमस एवरी ईयर। ऑन द डे बिफोर क्रिसमस स्पेशल मिडनाइट प्रेयर्स आर हेल्ड इन चर्चेस। क्रिसमस से एक दिन पहले इवनिंग से ही चर्चेस में लोग इकट्ठा होकर प्रेयर करने लगते हैं। 12 बजते ही लोग एक दूसरे को, जब बेल रिंग होती है चर्च बेल, तो सब लोग एक दूसरे को मेरी क्रिसमस बोल के बधाई देते हैं। ऑलराइट, पीपल पुट अप क्रिसमस ट्री एंड डेकोरेट देम। लोग अपने घरों में भी क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करते हैं। पीपल ऑल्सो बेक प्लम केक्स, स्पेशली केक्स और प्लम केक्स बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। क्रिसमस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बच्चों को लगता है कि सांता क्लॉज आएंगे और उनको बहुत सारे गिफ्ट्स देके जाएंगे। चिल्ड्रेन लव टू रिसीव सरप्राइज गिफ्ट्स, दे बिलीव दैट सांता क्लॉज लीव्स गिफ्ट फॉर देम। ऑलराइट, नाउ वी कम टू नेशनल फेस्टिवल्स। बच्चों हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ नेशनल फेस्टिवल्स जिनको थ्रू आउट इंडिया एज इंडियंस मनाते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। We celebrate national festivals to remember the days of national importance. All right, our country celebrates 3 national festivals. Hamari country mein 3 national festivals hai. First, Independence Day, a very important day, kyunki isi din Bharat ko angrezo se chutkara mila tha, Bharat swatantra hua tha, yani azad hua tha. India became free on 15th August 1947. Thus, we celebrate Independence Day every year on 15th of August. हर साल हम इसी दिन जो है स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। On this day, the Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort in Delhi. इस दिन लाल किले पर खड़े होकर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, हमारा जो तिरंगा है उसको फहराते हैं। The Prime Minister also gives a speech in front of the large gathering. वहाँ पे जितनी भी public इकट्ठा होती है उन सभी को भाषण देते हैं, उन सभी को address करते हैं। We remember those freedom fighters who fought for the nation. और हम अपने शहीद जो वीर लोग हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है उन सभी वीर जवानों को याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद आता है रिपब्लिक डे। ओके, अगेन रिपब्लिक डे इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950।
1950 को इंडिया जो है 26 जनवरी में रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ था. सिंस देन वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक यानी गणतंत्र दिवस. द मेन फंक्शन इज हेल्ड इन दिल्ली एट कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था. वहाँ एक बड़ा सा फंक्शन होता है. आवर प्रेसिडेंट होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड टेक सल्यूट ऑफ द परेड. वो परेड को सल्यूट करते हैं, झंडा फहराते हैं, यानी हमारा जो तिरंगा है उसको सम्मान देते हैं. द परेड इज़ द मेन इवेंट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. ये जो रिपब्लिक डे की परेड है ये काफ़ी आकर्षित है. इंडिया के सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और अलग अलग प्रांतों के लोग झांकियां बना बना के प्रेजेंट करते हैं अपनी स्टेट्स की. दिस कलरफुल परेड शोज द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ टैबल्यूज. टैबल्यूज का मतलब बेटा झांकी. जैसे जन्माष्टमी में झांकी बनाते हैं वैसे ही रिपब्लिक डे के दिन भी झांकियां बनती हैं. दीज टैबल्यूज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टेट्स. हर स्टेट का अपना अलग झांकी होगा जो कि स्टेट की सारी स्पेशलिटीज को दर्शाता है. ओके, नाउ वी कम टू द वन मोर थिंग अबाउट रिपब्लिक डे. सी दिस पिक्चर टेल्स द सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे. एक और बहुत मेन अट्रैक्शन है हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं. आर्म्ड फोर्सेज, पब्लिक फोर्सेज, स्कूल चिल्ड्रन एंड फोक डांसर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस सेलिब्रेशन. ओके, थाउजेंड्स ऑफ पीपल अटेंड द परेड. और इस परेड को देखने के लिए कई सारे लोग हजारों की तादाद में हर साल वहाँ पहुँचते हैं और इसके साक्षी बनते हैं. यहाँ तक कि फॉरेन से भी मेन डेलीगेट्स या टूरिस्ट आते हैं इस परेड को देखने के लिए. अब हम आते हैं हमारा जो थर्ड फेस्टिवल है, दैट इज़ गांधी जयंती. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और इसीलिए उनके बर्थडे को हम गांधी जयंती के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही इज़ अफेक्शनेटली कॉल्ड बापू. ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन. उनको हम बापू या फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी संबोधित करते हैं. ठीक है, ऑन दिस डे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड मेनी अदर लीडर्स पे होमेज एट हिज समाधि एट राजघाट इन दिल्ली. इस दिन कई सारे जो नेता हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं जाकर राजघाट पर, जो कि उनकी जहां उनकी समाधि स्थित है वहां पर फूल अर्पण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनकी आत्मा के लिए शांति की कामना करते हैं. ऑलराइट, सी दिस स्टैचू. स्कूल्स में भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ बच्चे अलग अलग तरह के नाटक करते हैं, जहाँ गांधी जी की जीवन को दर्शाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है बच्चों को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया जाता है. ऑलराइट, सो दिस वॉज द चैप्टर वेयर वी लर्नड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज द वर्ड्स दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर. हार्वेस्ट मीन्स अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर व्हेन क्रॉप्स आर राइपन एंड रेडी टू बी गैदर्ड. यानी कि साल का वो समय जब हमारी सारी फसलें पक जाती हैं और फसलों को हम काटना शुरू कर देते हैं. इंडिपेंडेंस मीन्स बीइंग फ्री, नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स, यानी आज़ाद हो जाना. परेड, अ नंबर ऑफ पीपल मार्चिंग इन अ लॉन्ग लाइन ऑन एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन. जब लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो है लाइन बना के मार्च करते हैं किसी इम्पॉर्टेंट ओकेजन पर. अनटैबल्यू, जो कि मैंने बताया एक झांकी जो कि एक दृश्य को दर्शाता है ना, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर झांकियाँ होती हैं, बाल लीलाएं हैं कृष्ण जी की वो दिखाने के लिए, इसी तरह रिपब्लिक डे पे भी अलग अलग तरह की झांकियाँ निकलती हैं. ऑलराइट, नाउ व्हाट ऑल वी स्टडीड इन दिस चैप्टर. वी स्टडीड इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया को त्योहारों का देश भी बोला जाता है. द थ्री नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाई डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर लिंक्ड विद द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. एंड लास्ट, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द डेज ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस.
आई होप बच्चों आपको तीनों फेस्टिवल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इनमें से कई फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो आप खुद भी सेलिब्रेट करते हैं. नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस, सो लेट्स बिगिन विद द MCQs, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ऑलराइट, शुरू करते हैं. विच इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला? केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओनम. ओके, सेकेंड, डैश इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद उल फितर. सेवई, स्वीट, स्पेशल स्वीट डिश, उसको सेवई बोलते हैं, उसे हम ईद पर बनाते हैं. नेक्स्ट थर्ड वन, डैश इज अ नेशनल फेस्टिवल. इसमें से बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल है, दिवाली और होली रिलीजियस फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे नेशनल फेस्टिवल है क्योंकि इसी दिन भारत जो है वो आज़ाद हुआ था. फोर्थ वन, ऑन द डे ऑफ डैश पीपल अप्लाई गुलाल ऑन ईच अदर. लोग एक दूसरे को रंग गुलाल कब लगाते हैं? होली पर लगाते हैं. फिफ्थ, महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द वर्ल्ड, फादर ऑफ द स्टेट, फादर ऑफ इंडिया. ही इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन. ओके, नाउ चिल्ड्रन इट्स टाइम टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स, सो लेट्स कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. फेस्टिवल्स आर टाइम फॉर joy and celebration. Second, dash is the harvest festival of Tamil Nadu, Pongal. Pongal जो है वो Tamil Nadu का harvest festival है, right? Onam marks the celebration of harvest season in Kerala. Onam Kerala में celebrate होता है और वहाँ का हार्वेस्ट सीजन बताता है. फोर्थ, डैश आर हेल्ड विद स्पेशल मील्स आर कुक्ड एंड सर्व्ड इन गुरुद्वारा लंगर. लंगर जहाँ बहुत से लोगों को एक साथ बिठा के प्रसाद खिलाया जाता है. फिफ्थ, द डैश इज द मेन इवेंट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे, सो द परेड. जो परेड निकलती हैं झांकियों की डिफरेंट स्टेट्स की और आर्मी फोर्सेस की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है, लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं. सिक्स्थ, ऑन रिपब्लिक डे अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट राजपथ न्यू दिल्ली. इसको हम कर्तव्य पथ भी बोलते हैं. ऑलराइट, सो विद दिस वी आर डन, नाउ लेट्स मूव फर्दर. When are these festivals celebrated? ये festivals कब celebrate करते हैं हम लोग, देखते हैं. Let's try them out. Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January. हर साल 26 Jan को celebrate करते हैं. Children's Day. Children's Day is celebrated at 14th November. Alright. Independence Day. हर साल 15th August को celebrate किया जाता है. क्रिसमस, क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं. टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? एंड गांधी जयंती, गांधी जी के बर्थडे यानी 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज asks us टू स्टेट whether these स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 15th August 1947. नो, दिस इज रॉन्ग. इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इट बिकेम फ्री, सो दिस इज फॉल्स. होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, येस इट इज ट्रू, बिल्कुल. Pongal is the harvest festival of Assam? No. Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. Assam ka to kya hai? Bihu, right. To ye galat hai. This is false. Baisakhi is celebrated on 13th April every year. Yes, this is true. Several states organize Kais festivals on the eve of Dashera. No, this is false. Sixth, Gurupurva means festival of Guru. Yes, this is true. Ye bilkul sahi hai. So I hope children that you have noted down all the answers. Aapne sare answers kar liye honge. Aur ab aapne apni book ki exercises bhi complete kar li honge.
Alright children, now let's move to exercise number E. Answer the following questions. This is to be done on your own. Ye aap khud karenge. I will only give you the hints. Like in question number 1, how many types of festivals are there? Name them. There are 3 types of festival and they are religious festival, harvest festival and national festivals. Okay? Second, explain harvest festival of Assam. Bihu is the harvest festival of Assam. During this time, a special Bihu dance is presented by all the young girls in Assam and they wear a traditional attire during the dance. Alright. Third, what do you know about harvest festival? Harvest festivals are celebrated in different parts of India during different time period. Right. The harvest festivals of each and every part of India are celebrated with great enthusiasm and joy and they are known by different names. For example, harvest festival of Assam is known as Bihu. In Tamil Nadu, Pongal is celebrated as the harvest festival. In Kerala, Onam is celebrated as the harvest festival. And in Punjab, Baisakhi is celebrated as a harvest festival. The way of celebrating the harvest festival is different from one region to another. Why do we celebrate Dashera? Dashera is celebrated to mark the significance of good over evil, the victory of good over evil. How do people of Kerala celebrate Onam? On Onam, people of Kerala decorate their houses with rangoli. A special rangoli with flowers is made at the entrance of temple and houses. They prepare special dishes and serve them on banana leaves. And boat races are held, which is the main attraction of Onam. Okay? Sixth, who is called the father of the nation? Father of the nation is known, is a name given to Mahatma Gandhi, or you can write Mahatma Gandhi is known as the father of the nation. So children, I have given you the hints and with the help of these hints and with the help of your book, you can complete the question and answers. I hope that you would be easily able to do them. So with this, we've come to an end to today's session. चैप्टर आपको पता चल चुका है. बहुत सारे त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, हर त्यौहार का इम्पोर्टेंस, किस तरीके से अलग अलग जगहों पे इसे सेलिब्रेट करते हैं, ये सभी आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा. सो चिल्ड्रन, आई विल अगेन मीट यू सून विद अ न्यू लेसन वेयर वी विल लर्न समथिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव. सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.